पहला मेथड हम जो कर रहे हैं वो है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। गुडविल अंडर दिस मेथड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अ फॉर्मूला विच इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। क्या फॉर्मूला बना हमारा? एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल जब कैलकुलेट होगी तो वो होगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमें वर्ड समझना है एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि हम जिस बिजनेस को खरीद रहे हैं, देखो हमने बात करी है कि दो तरह की गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड और एक्वायर्ड और परचेज। हम हमेशा परचेज गुडविल की बात करते हैं जब भी वर्ड यूज होता है गुडविल। अब परचेज गुडविल का मतलब है कि मैं किसी के बिजनेस को खरीद रहा हूं और मैं उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं उसकी गुडविल की। अब कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट मुझे उसकी गुडविल की करनी है वही कैलकुलेट हम कर रहे हैं यूजिंग सम मेथड्स। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में वो फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। व्हाट इज दिस एवरेज प्रॉफिट? दिस एवरेज प्रॉफिट इज वो प्रॉफिट जो उस बिजनेस ने पिछले कुछ सालों में कमाया है जिस बिजनेस को हम एक्वायर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस है ए और एक बिजनेस है बी और ए बिजनेस को बी बिजनेस एक्वायर कर रहा है तो हम इस एवरेज प्रॉफिट को ए का कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ए ने पिछले कुछ सालों में कितना एवरेज प्रॉफिट जनरेट किया था हम पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ एन नंबर ऑफ इयर्स। एन नंबर ऑफ इयर्स का मतलब है 3 सालों का, 4 सालों का, 5 सालों का, कितने सालों का हम एवरेज प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एवरेज प्रॉफिट निकालना बड़ा सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या है? अगर हम बोल रहे हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 है, ये 4 साल हैं और 4 सालों के हमारे को प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 1000, 1500, 2500 एंड 4000, तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी को पहले ऐड करेंगे। अगर आप इन सभी को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 9000 रुपीज, ठीक है। और एवरेज निकालनी है अगर मुझे 4 सालों की, तो एवरेज कैसे निकलेगी? टोटल प्रॉफिट 9000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 2250। तो आई हैव दिस वैल्यू एज 2250 एवरेज प्रॉफिट। जितने साल हमारे को दिए उन सभी का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। देन फॉर्मूले के हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना है इसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज के साथ। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये है कि जब बी बिजनेस ए बिजनेस को खरीद लेगा तो आने वाले कितने कमिंग ईयर्स के लिए बिजनेस बी को ए की गुडविल का, ए के नेम का, ए के फेम का, ए की रेप्यूटेशन का, ए के ब्रांड का बेनिफिट मिलता जाएगा। तो बी बिजनेस अगर हम हैं तो हम ये सोचेंगे कि अगर हम ए बिजनेस को खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ए बिजनेस का नेम, रेप्यूटेशन, ब्रांड, उसकी गुडविल हमारे को बेनिफिट करेगी आने वाले सालों में, टू अर्न प्रॉफिट, टू एक्वायर कस्टमर्स, टू जनरेट हायर प्रॉफिट। अब कितने सालों के लिए हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है ये हम अनुमान लगा रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी सब्जेक्टिव। जब भी आप वैल्यूएशन करोगे गुडविल की तो ये एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि मुझे 2 साल बेनिफिट मिलेगा उसके नाम का, मुझे 5 साल उसके नाम का बेनिफिट मिलेगा एंड सो ऑन। तो इफ आई से नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3 ईयर्स तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा तब जाके मैं गुडविल की वैल्यू 6750 लगा सकता हूं फॉर बिजनेस ए। तो दिस इज द होल मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय दिस मेथड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ सो मेनी इयर्स, जो हमें क्वेश्चन ने दिया होगा, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी इयर्स ऑफ परचेज, मींस कितने साल का मुझे बेनिफिट मिलेगा। यहां पर लिखा है नंबर ऑफ इयर्स परचेज इंप्लाइज दैट व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इट इज अज्यूम्ड that the business will continue to enjoy profits at the same average for that many years after the change of ownership. जब हम A business को खरीद लेंगे तब भी आने वाले कुछ सालों में हम उतना ही profit, उतना ही benefit, उतनी ही effect
आता रहेगा हमारे पास गुडविल का, जितना ए बिजनेस जनरेट कर पा रहा था एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम वापस आएंगे नेक्स्ट मेथड के ऊपर। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर वन रिलेटेड टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन ने हमको क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 years परचेज यानी कि 3 गुना 4 years के एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 4 years का। तो मुझे पहले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन हमको बोला कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years एंडिंग ऑन मार्च इज 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। तो मुझे पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखेंगे हम एवरेज प्रॉफिट ईयर 2016 यानी कि 15-16, 16-17, 17-18 एंड 18-19, और मुझे प्रॉफिट्स दिए हैं इन सालों के, एवरेज तो मुझे कैलकुलेट करनी है, 12,000, 18,000, 16 एंड 14, 16,000 एंड 14,000। अब सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया गुडविल की फॉर्मूले को, क्वेश्चन ने बोला 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, तो 4 साल मुझे क्वेश्चन ने दिए थे, इन 4 सालों का पहले मैं टोटल करूंगा, 12 + 18 + 16 + 14 = 60,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, ये कितने साल है, 4 साल, तो आई विल हैव माई एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years एज 15,000, और इसको फॉर्मूले में यहां पुट कर देते हैं, तो 3 × 15,000 इज 45,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग दिस फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा काम था। और क्वेश्चन करें अगर हम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। तो इस बार क्वेश्चन हमें गुडविल की वैल्यू क्या बताई, 3 years परचेज यानी कि 3 times, ईयर्स परचेज को हम टाइम्स बोल सकते हैं, 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, और पिछले 5 साल आपको क्वेश्चन ने यहां पर दे दिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम इन सभी सालों के प्रॉफिट्स को ऐड कर देते हैं और एक टोटल निकाल लेते हैं। याद रखना ये लॉस है, दैट मींस ये वैल्यू माइनस की है, तो 8 lakh + 15 + 18 - 4 lakh + 13 lakh = 50 lakhs डिवाइडेड बाय फाइव क्यों, पिछले 5 सालों के एवरेज कर लिए, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years आ गया 10 lakh, एंड हमें 3 year परचेज करना था इंटू 3, तो आर वैल्यू ऑफ गुडविल इज 30 lakh rupees। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, ये 3 partners हैं 3:1, एंड दे डिसाइडेड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1st of April 2020, और एबीसी ने ये डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर डी को हम ऐड कर लेते हैं अपने बिजनेस में, और डी को हम क्या बोल रहे हैं कि तेरे को 1/5 share मिलेगा प्रॉफिट, सो दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ अ पार्टनर। For this purpose, goodwill is valued at, और उसको जब हमने अपने बिजनेस में ऐड किया तब हमने अपने बिजनेस की एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखा, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, यानी कि गुडविल का फॉर्मूला हमने बताया डी को, ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years, और यानी कि हमने एक और फॉर्मूला भी बताया, गुडविल इज इक्वल टू ट्वाइस द एवरेज ऑफ 4 years, विच एवर इज हायर। अब ऑब्वियस सी बात है, जो सेलर होता है यानी कि जो बिजनेस बेच रहा है वो कोशिश करेगा कि उसकी गुडविल की वैल्यू ज्यादा हो, बिकॉज उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे गुडविल के, और जो एक्वायरर है यानी कि जो बिजनेस को एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि जो जिस बिजनेस को खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू कम आए गुडविल की, सो दैट कम पैसे देने पड़े। तो देयर इज अ टसल बिटवीन द सेलर एंड एक्वायरर रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तभी तो ये एक सब्जेक्टिव सा कॉन्सेप्ट है। अब सेलर हमेशा कोशिश करेगा कि गुडविल की वैल्यूएशन ज्यादा आए, और जो परचेजर है, एक्वायरर है, वो कोशिश करेगा कि गुडविल की वैल्यू कम आए। तो यहां पर दो फॉर्मूले
ए बी सी ने डी को बता दिए और बोला इनमें से जो भी ज्यादा आएगा हम उसको वैल्यू मान लेंगे अपने गुडविल की। अब इफ यू लुक एट बोथ दी फॉर्मूलाज, वैल्यूएशन कहाँ ज्यादा आने वाली है? वहां ज्यादा आने वाली है जहां पर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा, बिकॉज फॉर्मूला तो ट्वाइस ही है दोनों केसेस में। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम एवरेज प्रॉफिट 3 सालों का निकालते हैं और फिर एवरेज प्रॉफिट 4 सालों का निकालते हैं। जो भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा उसको मल्टीप्लाई 2 करके हमारी गुडविल आ जाएगी। अब एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स के लिए हम इन 4 सालों को ऐड कर देते हैं। सो 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 प्लस 42,200। तो हमने बोला इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स हमारे पास टोटल प्रॉफिट आता है 151,700 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एवरेज आ जाएगी, विच इज 37,925। अब हम एक काम करते हैं, एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों के निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट 3 सालों के निकालने के लिए हम कौन से 3 साल लेते हैं? इमीजिएटली प्रिसीडिंग 3 ईयर्स, यानी कि लेटेस्ट 3 साल ये नहीं लेंगे। अब लेटेस्ट 3 साल लें तो 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 इज 109,500 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एवरेज 3 साल की है, पहले डिवाइड बाय 4 था बिकॉज एवरेज 4 साल की थी। तो दिस विल बी 36,500। अब हमने उसको बोला था कि गुडविल होगी ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स और एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, विच एवर इज हायर। अब इन दोनों एवरेज प्रॉफिट्स में हायर कौन सा है? दिस। तो गुडविल होगी 2 टाइम्स 37,925, विच इज 37,925 मल्टीप्लाइड बाई 2,75,850। तो ये हमारी वैल्यू आ गई बिजनेस की गुडविल की, ठीक है, 7,585। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन हमारे को कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। ए परचेज्ड बीज बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ए ने बी का बिजनेस खरीद लिया एंड इट वाज अग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। हमने बोला कि गुडविल जो होगी वो है 2 ईयर्स परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ, नॉर्मल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स। नॉर्मल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का मतलब समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मान लो हमारा किसी साल में एक प्रॉफिट होता है 5 लाख रुपीज का। लेट से हमने बिजनेस में किसी एक साल में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, पर इस 5 लाख रुपए के बिजनेस प्रॉफिट के अंदर हमने 1 लाख रुपए कमाए थे लॉटरी इनकम से। यानी कि हमने क्या किया, हमने एक लॉटरी टिकट परचेज की थी और हमारा विद गॉड्स ग्रेस वो 1 लाख रुपए की लॉटरी निकल आती है। तो अब वो जो लॉटरी का 1 लाख रुपए का हमारे को गेन हुआ है, वो प्रॉफिट हुआ है, क्या वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इस 5 लाख के प्रॉफिट के अंदर है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर है, बिकॉज ये जो 5 लाख रुपीज है ये तो नेट प्रॉफिट है बिजनेस का, यानी कि ऑल प्रॉफिट इंक्लूडिंग एनी नॉर्मल और एबनॉर्मल गेन और लॉस। इसका मतलब पूरे 5 लाख रुपए हमारे बिजनेस करके प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है। The full 5 lakh does not relate to our business profit or business activity profit. Actually, में हमारे business की day to day operations running business के through हमने कितना profit कमाया होगा? हमने कमाया होगा 4 लाख रुपए। इसको बोलते हैं normal business profit. यानी कि हम जो business activity कर रहे हैं, जिस trade में हैं, जो line of operation है हमारे business का, उसी के प्रॉफिट्स की गुडविल होती है। लॉटरी इनकम अगर हमें हो जाए तो वो प्रॉफिट तो हमने कमा लिया होगा, पर उस प्रॉफिट से हमारी गुडविल पे कोई असर नहीं आएगा। तो गुडविल निकालने के लिए हम हमेशा जब भी एवरेज प्रॉफिट लेते हैं तो ये हमेशा हमारे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होने चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे नेट प्रॉफिट के अंदर
अगर हमारे नेट प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है एडेड, तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, जैसे हमने यहां पे किया लॉटरी के केस में। और अगर हमारे बिजनेस में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था, हमें नुकसान हुआ था, तो वो हम वापस एड बैक कर देंगे, बिकॉज हमारा एक्चुअल प्रॉफिट फिर ज्यादा होगा। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू हेयर इज वी नीड टू नॉर्मलाइज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको समझते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ बी बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आर गिवन। तो पिछले 3 सालों का हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ईयर्स 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20, ये हमारे को 3 साल दिए हैं, और इन 3 सालों के हमारे को प्रॉफिट्स क्वेश्चन ने दे दिए। क्या है प्रॉफिट्स? 80,000, 1 लाख, 90,000। 80,000, 1 लाख एंड 90,000 पर हर साल से रिलेटेड हमारे को कुछ एबनॉर्मल आइटम भी दी है क्वेश्चन ने। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ने बोला 17, 18 ईयर में हमने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 80,000। नेट प्रॉफिट टोटल हमारे बिजनेस में कितना है? 80,000। लेकिन दिस 80,000 इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। लेकिन इस 80,000 के अंदर हमने कोई एबनॉर्मल गेन कमाया है 10,000 का, जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब हमें इस एबनॉर्मल गेन का क्या करना पड़ेगा? इसको हमें लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये बिजनेस के प्रॉफिट्स में तो एडेड है, पर ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो हमने माइनस किया 10,000 एबनॉर्मल गेन। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमारे इस साल के नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स हमें पता चल जाएंगे, हमारे को इस साल के नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स पता चल जाएंगे, विच इज 70,000। क्लियर हुआ ना? इसका मतलब हमने पूरे साल में तो 80,000 कमाया, लेकिन उस 80,000 में 10,000 का एबनॉर्मल गेन था, तो उस एबनॉर्मल गेन को हमने बाहर निकाल दिया, बिकॉज वो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट हमारा कितना है? 70,000 का। सिमिलरली हम अगले साल की बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर में हमने टोटल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। लेकिन इस साल में हमारे को एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 रुपए का। अब अगर हमारे को लॉस होने के बाद भी 1 लाख का प्रॉफिट है बचा हुआ, तो अगर ये लॉस ना होता तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कितना था? हम क्या करेंगे? एड। तो हम ये बोल रहे हैं कि 20,000 का जो हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है उससे हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए थे, और कम होने के बाद वो 1 लाख रुपए के रह गए थे। हैड इट बीन द केस कि ये हमारा 1 लाख का सॉरी 20,000 का लॉस ना हुआ होता, तो हमारा एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट कितना था? 1,20,000 रुपए। क्लियर हुआ? एंड लास्ट सेम नेक्स्ट ईयर में भी बोलता है 90,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, बट दिस इन एक्सक्लूड्स 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द फर्म्स प्रॉपर्टी नॉट इंश्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर बिकॉज ऑफ ओवरसाइट। लेकिन कहता है अभी जो हमने ये 90,000 का प्रॉफिट कमाया है, इसमें से 10,000 का एक प्रीमियम हमने पे नहीं किया, भूल गए, जो हमारी प्रॉपर्टी है बिजनेस की, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, उस पे हमने इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे करना था वो अभी हमने पे नहीं किया, और पे ना करने के कारण हमारा प्रॉफिट हमें ज्यादा नजर आ रहा होगा, बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल एक्सपेंस। ये एक नॉर्मल रूटीन का बिजनेस एक्सपेंस है जो अभी हमने माइनस नहीं किया है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। हम सिर्फ एबनॉर्मल आइटम्स को प्लस माइनस करते हैं, और नॉर्मल आइटम्स का इफेक्ट हमें देना है। तो हम एक करेंगे माइनस 10,000 नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, जो अगर हमने एक्चुअली में एडजस्टमेंट कर दिया होता तो हमारा प्रॉफिट 80,000 होता। अब देखो, अब हमारे पास नॉर्मलाइज्ड बिजनेस प्रॉफिट आ गए। क्या आ गया? नॉर्मलाइज्ड बिजनेस प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट जो हमने अपने बिजनेस एक्टिविटी से कमाया है। सारे एबनॉर्मल आइटम्स, सारे एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट्स और लॉसेस को हमने नलीफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसकी एवरेज करेंगे। एवरेज करने के लिए टोटल आएगा 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज विल बी 90,000। और फॉर्मूले में हमें बोला था गुडविल इज 2 टाइम्स द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स,
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल, दिस इज 1,80,000, क्लियर है।